सुबह गणपत बप्पा का आदमी वहाँ है और गणपत बप्पा जी क्या कहना चाहेंगे गणपत बप्पा? बस यहाँ पे मैं एक एक्ट्रेस हैं, उनका बड़ा प्रशंसक भी हूँ, बहुत एनर्जेटिक और बहुत सपोर्टिंग को आर्टिस्ट हैं, अपने को एक्टर बहुत सपोर्ट करती हैं, और कमाल की एक्ट्रेस हैं निधि झा, उन्हीं के घर पे आया हूँ गणपति बाबा का दर्शन करने। हमने अभी भी आरती की और हवन हो रहा था तो ये हर्षोल्लास और खुशी के आंसू निकले थे जी। कितना खुश है बापा से, क्या क्या मांगा आपने? बस ये तो है कि हम इंसानों की इच्छा कभी, मतलब जितनी भी बप्पा पूरी करे और मांगने की इच्छा होती रहती है, तो हमें जितना दें वो और हमारे सभी चाहने वालों को और सभी प्यार करने वालों को जितना बप्पा दे उतना ही कम है, और सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते रहे वो, हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं। आपकी फिल्मों की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आप सबको पता ही है मेरी भोजपुरी में पहली फिल्म आई थी एजन मेन विलेन, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी के साथ, और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही सपोर्टिंग मतलब नेचर के हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं, और मैं दिल से उनको बड़ा मानता हूँ। तो मेरी पहली फिल्म भी उन्हीं के साथ थी एज ए मेन विलेन, सौगंध, और उसके बाद दूसरी फिल्म भी उनके साथ सुपरहिट जो हुई बॉर्डर, वो भी दिनेश जी ने मुझे दी, और इसके लिए स्पेशली उनको थैंक यू। उसके बाद मेरी अभी आने वाली फिल्म है जो मतलब सबके दिलों के राजा हैं पवन जी, और दिल के बड़े राजा हैं, वाकई राजा हैं तो उनके साथ मेरी एक फिल्म आ रही है, उसमें काजल राघवानी है और मेरी बेटी जैसी हैं, वो बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो भी दिल की बहुत अच्छी हैं। तो उस फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया। वो फिल्म मुझे स्पेशली मिली थी योगी भैया के थ्रू, जिन्होंने बॉर्डर में जिनसे मुलाकात हुई थी, तो वो मेरी एक्टिंग की बड़ी तारीफ़ करते थे, तो उन्होंने फिर उस फिल्म के लिए मुझे ऑफ़र दिया और देवेंद्र भैया ने ऑफ़र दिया, और मैं उन सबका दिल से थैंक यू कहता हूँ, और आगे भी उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ। बाकी अभी उसके अलावा रवि किशन जी के साथ चैम्पियन आ रही है, और दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 आ रही है, इसके लिए राजकुमार भैया और चिंटू भाई को थैंक यू, चिंटू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पाकिस्तान 2 की बात कर रहे हैं, जो अपना दुल्हन लेकर आएगी पाकिस्तान से। एक और फिल्म मैं जोड़ूंगा, बड़ी प्यारी सी फिल्म है, मतलब कोई बड़े बजट की नहीं है, कोई बहुत तामझाम नहीं है, लेकिन बड़ी इतनी खूबसूरत फिल्म है कि आपके दिल को छू जाएगी। उस फिल्म का नाम है मेरी बिटिया, यश कुमार उसके मेन लीड हैं, और पहली बार यश जी एज ए रोमांटिक हीरो या ऐसा एज ए एक्शन हीरो नहीं कर रहे हैं, एक बड़े ही मार्मिक और मार्मिक फादर का रोल कर रहे हैं, एक छोटी सी मासूम बच्ची के फादर का, और वो फिल्म आप लोग देखिएगा, आप लोग दिल से उस फिल्म की तारीफ़ करेंगे। और दूसरी एक और फिल्म मेरी आ रही है दुल्हन हम ले जाएंगे, जो कंप्लीट हो चुकी है अभी, उसमें गोलू हैं और गोलू के अपोजिट मैं हूं और तनु है जी। बात की जाए जो दुल्हन लेके आएंगे, जो पाकिस्तान से दुल्हन लाने की जो सिलसिला है पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, उसमें एक अलग गेटअप है, आप क्या बताना चाहेंगे? ये गेटअप राज भैया ने दिया, राजकुमार भैया ने दिया ये गेटअप, कि अमित तुझे एक अलग गेटअप से प्रेजेंट करता हूँ, और वो गेटअप बड़ा पसंद आ रहा है सबको वो आपको फिल्म देख के लगेगा, और वैसे भी राज भैया की फिल्म है तो वो हमारी हमारे दर्शकों को पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मल्टी स्टार और भव्य सिनेमा देते हैं वो, एक ग्रैंजर और आप क्रिएट करते हैं पर्दे पे, तो आप सबको फिल्म बहुत पसंद आएगी, खूब एंटरटेन करेगी फिल्म वो। पार्ट 1 काफ़ी सुपर डुपर हिट रही, काफ़ी सुपर डुपर, और पार्ट 2 में मेन विलेन आप हैं, तो मैं और राहुल देव जी जो बॉलीवुड के बहुत कमाल के एक्टर हैं, और मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, और कमाल के ह्यूमन बीन हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो फिल्म का नाम और फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे? शॉर्टकट में मल्टी स्टारर है, जैसे ट्रेलर में आप लोगों को दिख रहा है, फिल्म की भव्यता दिख रही है सबको, और गाने कमाल के हैं, और नए चैनल राज भैया के नए चैनल पे आया है, उसके बावजूद भी मिलियन व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं उस ट्रेलर के, ये बड़ी कमाल की बात है। तो सोचिए कि मैंने अभी जस्ट, मैं अपनी मेरी फिल्म है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अब जस्ट अभी कल रात को देखा रिएक्शन, मतलब फिल्म का रिएक्शन का जो किसी ने प्राइवेट चैनल ने डाला होगा, तो रिएक्शन के भी 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, सोचिए। जैसे नहीं होता है किसी ट्रेलर को देख के पर्टिकुलर पर्सनल लोग अपने चैनल पर रिएक्शन डालते हैं, तो रिएक्शन के मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं, तो सोचिए कितनी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिल्म का। एक निधि जाग के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो अभी 60% फिल्म बाकी है, तो वो कंप्लीट होगी, उसके अलावा 3 फिल्में और हैं, तो वो तीनों फिल्में जब
कंप्लीट हो जाएगी तो मैं बता दूंगा। और बप्पा भक्तों से क्या कहना चाहेंगे चलते? बस हम सभी बप्पा के भक्त हैं, हम भक्त नहीं उनके बेटे हैं, और बस हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे, हमारे सभी साथी कलाकारों पे, सभी साथी टेक्नीशियन पे बप्पा का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और सभी अच्छा काम करें, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस यही दुआ है मेरी बप्पा से। थैंक यू।